सुनिए क्या कह दिया रितेश पांडे ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ। जी हां, रितेश पांडे को तो दिनेश लाल यादव निरहुआ का हितैषी माना जाता था और आम्रपाली दुबे भी रितेश पांडे के साथ फिल्म थानेदार की शूटिंग कर रही हैं। लेकिन ये क्या, रितेश पांडे को क्या पसंद नहीं आया दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के प्रत्याशी बनकर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? भाई, अभी हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक पोस्ट किया जिसे देख कर तो यही लग रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन चाहे जो भी जीते या हारे, लेकिन अपनी दोस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब भाई, इस पोस्ट से तो साफ जाहिर होता है कि रितेश पांडे को दिनेश लाल यादव जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रितेश पांडे को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को सभी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद अकेला कल्लू ने तो निरहुआ की जीत के लिए गाना भी गा दिया है कि निरहुआ को जिताना है। अब भाई, ऐसे में सभी स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया निरहुआ के लिए दी थी और सभी ने पॉजिटिव वे में दी थी। एक अकेले रितेश पांडे ही थे जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी तो कुछ नपे तुले शब्दों में, न हाँ में न ना में, या यूं कह ले बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से निरहुआ के चुनाव के लिए दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह का पोस्ट रितेश पांडे ने किया है, क्या रितेश पांडे इससे ये कहना चाहते हैं कि भले ही निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी कलाकार हैं वो उनके खिलाफ या उनके समर्थन में निरहुआ के समर्थन में इतना भी न बोल दे कि जिससे उनके विरोधियों को खराब लगे और उनके बीच दुश्मनी पैदा हो जाए। भाई, जो भी है, लेकिन हम तो रितेश पांडे को यही सजेस्ट करना चाहेंगे, इंटायर भोजपुरी इंडस्ट्री निरहुआ को सपोर्ट कर रही है, तो आपको निरहुआ को सपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।